रहीम टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रीजन ऑफ क्लिनिकल्स ऑफ पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के क्लिनिकल्स को हम लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल है टेम्परेरी कंट्रोल ऑफ हेमरेज फ्रॉम सिस्टिक आर्टरी। जो सिस्टिक आर्टरी होती है वो राइट हिपैट्रिक आर्टरी से निकलती है, और राइट हिपैट्रिक आर्टरी कॉमन हिपैट्रिक आर्टरी से, जो कॉमन हिपैट्रिक आर्टरी है वो हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट से पास करती है। असल में इसको कॉमन हिपैट्रिक आर्टरी नहीं बोल सकते, हिपैट्रिक आर्टरी प्रॉपर बोलते हैं। तो जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर है ये गुजरती है हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट, जिसको बोलते हैं हम लेजर ओमेंटम। ठीक हो गया, लेजर ओमेंटम। और लेजर ओमेंटम का हम ये कह सकते हैं फ्री एज, एक इसका मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और इसका एक फ्री पोर्शन होता है। तो जो फ्री पोर्शन के अंदर तीन स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। तो पोर्टल ट्रायड में से एक स्ट्रक्चर है हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से ही निकलनी है राइट हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी। राइट हिपैटिक आर्टरी से निकलनी है सिस्टिक आर्टरी। तो अगर सिस्टिक आर्टरी का डैमेज होता है, रप्चर होता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, या फिर कॉलिसेस्टेक्टमी परफॉर्म करते हैं, इसमें सिस्टिक आर्टरी अगर डैमेज ना हो जाए या फिर लाइगेट करना पड़ जाए, तो हम जो हिपैटिक आर्टरी है उसको कंप्रेस करते हैं। इसको कंप्रेस करते हैं हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट में। तो हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट को इस तरह से कंप्रेस करते हैं कि थंब और इंडेक्स फिंगर में इस लिगामेंट को पकड़ते हैं, और इस लिगामेंट में जो सबसे राइट वार्ड पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। सॉरी, राइट वार्ड नहीं होता, लेफ्ट वार्ड होता है, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। वहाँ पे इसको कंप्रेस करते हैं। इसको कंप्रेस करने की वजह सिस्टिक आर्टरी से ब्लड लॉस कम से कम होता है, और इसके साथ साथ इसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं लीवर की ट्रॉमा में, ताकि लीवर के ट्रॉमा में ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रिंकल मैनूवर। तो एग्जाम में प्रिंकल मैनूवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंटरनल हर्निया। इंटरनल का मतलब अंदर से, इन शॉर्ट ओमेंटल फोरामिन में से कुछ स्ट्रक्चर पास कर जाए तो उसको बोलते हैं इंटरनल हर्निया। और ओमेंटल फोरामिन ये ग्रेटर और लेजर सैक को आपस में जोड़ता है। दूसरा है फ्लूइड इन ओमेंटल वर्सा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टोमक और पेनक्रियास के पीछे एक स्पेस होती है, स्टोमक के पीछे और पेनक्रियास के आगे, उसको बोलते हैं ओमेंटल वर्सा। तो आप इस डायग्राम में देखिएगा, ये स्टोमक, ये पेनक्रियास, स्टोमक के पीछे ओमेंटल वर्सा और पेनक्रियास के आगे ओमेंटल वर्सा। तो अगर पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होती है या स्टोमक की परफोरेशन होती है, स्पेसिफिकली स्टोमक के पोस्टीरियर वाल की या पेनक्रियास के एंटीरियर वाल की, तो उसकी वजह से फ्लूइड ओमेंटल वर्सा में चला जाएगा। इस वजह से ओमेंटल वर्सा की इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद है पैराकोलिक गटर्स। तो पैराकोलिक गटर्स, पैरा का मतलब सराउंड करना, कोलिक का मतलब कोलोन को। तो ये दो होते हैं, राइट और लेफ्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले दो होते हैं, राइट पैराकोलिक गटर और लेफ्ट पैराकोलिक गटर। राइट साइड पे असेंडिंग कोलोन, तो असेंडिंग कोलोन के राइट वर्ड असेंडिंग राइट पैराकोलिक गटर। लेफ्ट साइड पे डिसेंडिंग कोलोन, तो लेफ्ट साइड पर लेफ्ट वर्ड लेफ्ट पैराकोलिक गटर। इनकी वजह से होता है क्या है, ये पैराकोलिक गटर असल में पेरिटोनियल कैविटी की कंटिन्यूएशन होती है। तो इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है एब्डोमन का, वो पेल्विस में आ सकता होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और पेल्विस के अंदर ज़्यादा फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन होती है। इसके बाद जो एब्सेस फॉर्मेशन, जो एक स्पेस होती है जिसको बोलते हैं सब फ्रेनिक रिसेस। फ्रेनिक का मतलब डायफ्राम, तो ये डायफ्राम के नीचे पड़ी हुई होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, लीवर वाले टॉपिक से। तो ये देखना, ये ऐसी स्पेस जो डायफ्राम के नीचे पड़ी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं सब फ्रेनिक रिसेस, और जो लीवर और डायफ्राम के दरमियान में होती है। तो अगर जो इसके कुछ रिलेशनशिप होते हैं ड्यूडिनम के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ और अपेंडिक्स के साथ, तो इनकी अगर परफोरेशंस होती है तो वो एब्सेस बनाती है, वो एब्सेस सब फ्रेनिक एब्सेस बना लेती है। बाकी इसको हम लीवर के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम के चार फंक्शन याद रखने हैं, और ग्रेटर ओमेंटम का दूसरा नाम पुलिसमैन ऑफ एब्डोमन। अब जो ग्रेटर ओमेंटम है, पहली बात, ये विसरल पेरिटोनियम को पैराइटल पेरिटोनियम से एडहियर नहीं होने देता। विसरल पेरिटोनियम विसरा की होगी, पैराइटल पेरिटोनियम एब्डोमिनल वाल की होगी। ये है ग्रेटर ओमेंटम, ये वाला, ये ग्रेटर ओमेंटम है। तो ये पहला फंक्शन होगा विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम की एडहियन को ब्लॉक कर देगा। अगर एडहियन हो जाती है तो फिर क्रॉनिक पेन हो जाएगा, और इसकी वजह से शार्प वॉल्वुलस भी हो जाएगा। तो ये इस क्लिनिकल के अंदर हमने देखना था। तो पहला फंक्शन है एडहियन को प्रिवेंट करना। दूसरी बात, ये चूंकि ये जीआईटी के विसरा के साथ एडजेसेंट होता है, तो फिर जीआईटी के विसरा की पेरिस्टाल्सिस होती है, तो ये भी मूव करता है। तो जब भी किसी विसरा में इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन का मतलब वहाँ पे थोड़ी सी मोबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये उस जगह पे चला जाएगा इन्फ्लेम ऑर्गन तक, वहाँ पे चिपक जाएगा। इसकी वजह से ये होगा कि ये इन्फ्लेम ऑर्गन के सराउंडिंग एक दीवार बना लेगा, इस दीवार की वजह से इन्फेक्शन आगे मजीद नहीं फैल सकता। तीसरा इसका फंक्शन होता है कि इसमें बहुत सारा फैट होता है, तो फैट का फंक्शन है इंसुलेशन प्रोवाइड करना और कुशन प्रोवाइड करना। एडहियन की बात कर चुके हैं कि अगर पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम या दो विसरल पेरिटोनियम बस में एडहियर हो जाती है, क्यों एडहियर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होगी, फिब्रिन क्लॉट बनना शुरू हो गए, वो आपस में चिपक गए हीलिंग में।
इसके बाद है एसाइड्स। एसाइड का मतलब होता है एक्सेस पेरिटोनियल फ्लूइड। जिस तरह पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है, प्लूरल इफ्यूजन, तो पेरिटोनियल इफ्यूजन को बोलते हैं एसाइड्स। एसाइड्स का मेन यही होता है कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, वीनस कंजेशन हो गया, वीनस प्रेशर ज़्यादा हो गया, या फिर प्रोटीन कम से कम है, एल्ब्यूमिन कम है, यूरिन में लॉस हो गया या फिर बना ही नहीं, इसकी वजह से एसाइड्स हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है पेटेंसी ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो जो फीमेल के अंदर पेरिटोनियल कैविटी क्लोज होती है, लेकिन फीमेल के अंदर पेरिटोनियल कैविटी ओपन होती है, क्योंकि ओवरी की पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन पेरिटोनियम कैविटी के साथ कंटिन्यूस होती है। मतलब ओवरी अपना ओवम रिलीज करती है पेरिटोनियल कैविटी में, और यूट्राइन ट्यूब के फिम्ब्रियाई होते हैं उसको कैरी करते हैं। तो मतलब यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट ये कंटिन्यूस होती है पेरिटोनियल कैविटी, और यूट्राइन ट्यूब कंटिन्यूस यूट्रस के साथ, यूट्रस विजाइना के साथ, विजाइना एक्सटीरियर के साथ। इस तरह से इन्फेक्शन बाहर से पेरिटोनियल कैविटी में आ सकता है या फिर पेरिटोनियल कैविटी से यूट्रस में जा सकता है। इसकी वजह से ब्लॉकेज भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यह था बेसिक ओवरव्यू क्लिनिकल्स का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।